अरे अपने टकला बाप का टेंशन मत लो सपना, वो गुरुवार को हम देख लेंगे। कल मकर संक्रांति है, कद्दूपुर का उल्टा मैदान में आ जाना कल, वहाँ बहुत पतंग उड़ेगा और हम दोनों मिलकर भी पतंग उड़ाएंगे। काहे कि वहाँ पतंग कॉम्पिटिशन है, अगर जीत गए तो प्राइज भी मिलेगा। अरे क्या मैंने कला कल उठा, फिर क्यों आया हमारा घर में, क्या काम है? टकला नेताजी, हैप्पी मकर संक्रांति। ये काला कल उठा हमको मकर संक्रांति विश करने आया है, जरूर इसके पीछे इसका कोई मकसद होगा। हाँ सेम टू यू, जा घर जा, हो गया ना? अरे घर नहीं जाएंगे, उल्टा मैदान जाएंगे। काहे वहाँ जाके उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेंगे तो नहीं, लेकिन पतंग जरूर उड़ाएंगे। काहे पतंग उड़ाना है तो घर पे काहे नहीं उड़ा रहे हो, उल्टा मैदान काहे जा रहे हो? अरे तुमको पता नहीं आज मकर संक्रांति है और उल्टा मैदान में कॉम्पिटिशन है पतंग का, जो सबसे अच्छा पतंग उड़ाएगा और सबका पतंग काट देगा उसको 2023 का बेस्ट पतंग बाज का अवार्ड मिलेगा। अरे क्या बात कर रहा है, इतना बड़ा कंपटीशन है कद्दूपुर में हमको नहीं पता है, बेस्ट पतंगबाज का अवार्ड मिलेगा, हमसे बढ़िया तो कोई कद्दूपुर में पतंग उड़ा ही नहीं सकता है, ये बात तो सबको पता है। हम भी जाएंगे, देखते हैं कौन भाई कलाल हमसे जीतता है। ठीक है चलो वहीं पे मिलते हैं, तुम्हारी पतंग सबसे पहले काटेंगे। हाँ ठीक है टकला, तुम काट देना हमारा पतंग, अगर तुम नहीं काट पाए तो हम अपना पतंग अपने काट देंगे। एक काम करो ना, सपना को नीचे भेजो ना। काहे सपना को नीचे कहाँ भेजेंगे, बार बार हमारा बच्चिया का नाम काहे लेता है तुम? अरे हम लोग के स्कूल का सारा बच्चा वहाँ जा रहा है उल्टा मैदान में, तो सपना को भेजो, वो हमारे साथ जाएगी। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, काहे कि घोड़ा कद्दू वहाँ पहुँच गया है। अरे कोई जरूरत नहीं हमारी बच्चिया के साथ में ले जाने का, हमारी बच्चिया हमारे साथ जाएगी, समझा? कल उठा निकले यहाँ से, साला जब देखो तब हमारा बच्चिया के पीछे पड़ा रहता है, मार के देह तोड़ देंगे आइंदा से पूछा तो हमारी बच्चिया के बारे में। अरे टकला तुमको इज्जत देकर सम्मान के साथ बात कर रहे हैं तो तुमको हजम नहीं हो रहा क्या? ये नेतागिरी के साथ कुत्तागिरी क्या फ्री में मिलता है क्या तुम लोग को? कुत्तागिरी दिखाना छोड़ोगे नहीं तुम, गलती हो गया जब तुमको सम्मान देकर बात की है, काहे कि कुत्ता को घी हजम नहीं होता है ना। तो अब तुमसे तुम्हारी भाषा में बात करेंगे, जल बे बुलडॉग, अपनी बच्चिया को नीचे भेज, हमारे साथ उल्टा मैदान जाएगी। अरे हमको बुलडॉग बोला रे, तुम साला काला कुत्ता, तुमको घी हजम नहीं होता होगा समझा? यहाँ से चले जाने तो देह तोड़ देंगे, हमारी बच्चिया नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, वो अपना पापा के साथ जाएगी। अरे टकला सीधी तरीके से भेज दो सपना को नीचे, काहे कि हम तुम्हारा दामाद है काला कद्दू, हमको उंगली टेढ़ा करना भी आता है, और एक बार उंगली टेढ़ा किए ना तो तुम सीधा हो जाओगे समझे? अरे तुमको जो कहना कहना, नहीं भेजेंगे अपनी बच्चिया को तुम्हारे साथ, ज्यादा बोलेगा ना तब खाएगा लात, और देखते हैं अपनी बच्चिया को तुम कैसे लेके जाता है, हम भी टकला नेता है, देह तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे टकला आज तो तुमको दो चैलेंज दे दिया, एक पतंग का और दूसरा सपना का, अब दोनों चैलेंज हम ही जीतेंगे समझा, और तुम्हारे साथ कब क्या हो जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। हाँ देखे तुमने जैसा रोड छापा सीख समझे, निकले यहाँ से। कौन? अंकल मेरा पतंग ऊपर कट के आ गया, आपका छत पे गेट खोल दीजिए ना, हम ले लेंगे। अरे बाबू अभी नहीं, बाद में ले लेना, बाद में ले लेना, अभी हम निकलने वाले हैं। कहाँ से निकलने वाले अंकल? अरे घर से, और कहाँ से? काहे आप चोरी करने आए थे क्या घर पे, जो निकल जाइएगा। अरे क्या बकवास कर रहा है, हम अपना घर में काहे चोरी करेंगे? तो अपना घर से काहे निकलिएगा, किसी को बेच दिए है क्या? अरे अपना घर से निकलने के लिए किसी को बेचना पड़ता है, क्या बकवास कर रहे हो जी, बाद में ना। नहीं नहीं अंकल एक बार गेट खोल दीजिए ना, पतंग छत पे ले लेंगे, बच्चा का दिल मत तोड़िए, आप तो नेता है, 2% का पतंग भी खा जाइएगा हमरा। अरे हमको तुम्हारा 2% का पतंग में इंटरेस्ट नहीं है समझा, अकेले ना, जिसको देखो साला उल्टा बात करता है, समझ के गया टकला नेता को। अंकल छत का रास्ता किधर से है? उधर से है, जा। अरे बाबू गिरा कैसे रहे तुम? अरे अंकल हमारा पैर स्लिप कर गया सीढ़ी पे, बहुत दर्द कर रहा है अंकल, उठ नहीं पा रहे हम। अरे हम इतना साल से चल रहे हैं, हमारा तो पैर स्लिप नहीं किया, बहुत जोर से लग गया क्या जो उठ नहीं पा रहे हो? हाँ हाँ अंकल बहुत जोर से लग गया, आपको क्या लगता है हम एक्टिंग कर रहे हैं? बहुत जोर से लगा है, उठ नहीं पा रहे हम। एक काम कीजिए ना अंकल, हमको हमारा घर तक छोड़ दीजिए। अरे हम तुमको तुम्हारा घर तक कैसे छोड़े, हमको लेट हो जाएगा, पतंग कॉम्पिटिशन है वहाँ, हमको जाना है। अंकल किसी को आपके चक्कर में चोट लग गया और आपको कॉम्पिटिशन का पड़ा हुआ है, बल्कि आपको तो हमारा इलाज के लिए हमको खर्चा देना चाहिए, और आप ऐसे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं बच्चा को चोट लग गया तो घर तक छोड़ भी नहीं रहे है। सही कहता है, नेता नेता ही होता है, किसी का नहीं होता है। अरे क्या बकवास कर रहा है, हमारे चक्कर में तुमको कैसे चोट लगा, तुम ना आए हमारा घर पे पतंग लेने, हम तुमको गिराए के धक्का दे के सीढ़ी पे, बकवास कर रहा है। तुम सलाम को देखने में पागल लग रहा था, वो तो तुमको घर में बुला लिए, अरे एक नया मुसीबत क्रिएट हो गया यहाँ पे, चलो छोड़ देते तुम्हारा घर पे। सब नेता एक जैसा नहीं होता, टकला नेता ईमानदार है, ऐसे तुम्हारा घर है कहाँ पे, एड्रेस बताओ। अरे अंकल हमारा घर तो इमलीपुर में है। क्या इमलीपुर जाना होगा तुमको छोड़ने के लिए हमको? अरे एक मिनट, तुम तो इमलीपुर में पतंग उड़ा
था तो तुम्हारा पतंग कट के हमारा छत पे कैसे आया? और आया तो तुमको कैसे पता चला? एक शहर से दूसरे शहर में आया तुम, वो भी 2% का पतंग लेने। अरे हम पतंग तो बगल से उड़ा रहे थे, हमारा घर इमलीपुर में, हम रहते तो बगल में ही है। अरे तो सारा अपना खानदान का पता कह दे रहा हमको, जहाँ रहता उसका बता दो ना। वो तो नहीं पता है। अरे तो तुम सारा यहाँ पे आया कैसे? अरे पतंग उड़ रहा था, हम उसको फॉलो करते करते आ गए, हम ये देखे ही नहीं हम कहाँ से कहाँ आ गए। अरे तो तुमको कैसे पता चला ये टकला नेता का घर है? अरे आपका डोरबेल बजाने से पहले पड़ोसी से पूछे, वो बताए टकला नेता का घर है। ये सब छोड़िए ना, आपको पंचायत गए, देख रहे बच्चा को चोट लगा है तो घर नहीं छोड़े, पल तुम बकवास कर रहे। अरे तो साला गधा का औलाद घर बताएगा तब ना। अरे चाचा घर का बताएगा, हम ना बताएंगे, घर का मुँह थोड़ी ना होता है। अरे साला चोट लगा इसके बाद मजाक करता है, तुमको घर जाना है कि नहीं जल्दी पता बताओ। अरे अंकल गूगल कीजिए ना, गूगल में सब पता चल जाता है, कहाँ से पतंग कटा कहाँ गिरा। अरे साला ये सब गूगल में नहीं बताता है, तुम जल्दी बताओ पता कहाँ है तुम्हारा, नहीं तो यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। हाँ तो ठीक है, यहीं पे छोड़ के चले जाइए, फिर हम आपका घर से चोरी करके चले जाएंगे। अरे साला ये तो हम सोचे ही नहीं, इसको छोड़ देंगे तो सही में चोरी कर लेगा, देखने में भी साला चोर लग रहा है। अरे तुम घर बताता है कि जूता मारे तुमको। अंकल एक काम कीजिए, हमारा पापा को फोन कीजिए। इस साला अलग पंचायत लगा है मकर संक्रांति के दिन। क्या नंबर है बताओ, नंबर तो याद है ना जी? हाँ नंबर तो याद है। हाँ तो बताओ नंबर। 100 में 90 आया था, मास्टर जी गुड बोले तो गुड। अरे साला तुमसे हम फोन नंबर पूछ रहे हैं, एग्जाम में मार्क्स कितना आया ये नहीं पूछ रहे हैं। अपना बाप का नंबर बताओ। अरे पापा का नंबर हमको कैसे पता चलेगा, उस समय हम पैदा थोड़ी ना हुए थे। अरे साला अपना बाप का मोबाइल नंबर बताओ, बकवास मत करो हमसे, गुस्सा आ रहा हमको। मोबाइल नंबर चाहिए आपको, सीधा सीधा बोलिए ना, गिरे हम चोट हमको लगा के आपको लगा है। डायल कीजिए 01212100012। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सच्चा है। अरे ये कैसा नाम है सच्चा, खैर छोड़ो जो भी है। हेलो क्या जी? हाँ सच्चा का पापा बोल रहे हैं। हाँ फोन दीजिए बचुआ को, चोट लग गया उसको। अरे ये बात आपको कैसे पता चला आपका बेटा को चोट लगा है? अरे तुम ही तो बताया अभी हमको। अरे हम कब बताए, देखो इतना जल्दी भूल गया, चोट उसको लगा कि तुमको लगा जी। ये साला जो कह रहा है, उस साले मनहूस काला कद्दू का जब से चेहरा देखे तब से उल्टा सीधा हो रहा है हमारे साथ आज, इसको बताया और भूल भी गया हम। हेलो बात करो अपना बेटा से। एक्सक्यूज मी, पापा से बात करके आते हैं। अरे साला अभी उठ नहीं आता, अभी फोन लेके ऊपर चला गया, इसका दर्द ठीक हो गया बाप से बात करने पे? इस साला एक नंबर का आइटम लग रहा है हमको। अरे आप कौन है? अरे इंस्पेक्टर साहब आप कहाँ आए हमारा घर पे? अरे टकला नेताजी थाना चलिए, थाना चलिए। अरे थाना कहीं चलेंगे हम, क्या क्या? अरे इनका लड़का को आप किडनैप किए हैं ना, ये सब काम शोभा देता है क्या? एक तरफ इतना अच्छा पोस्ट पर है, दूसरा तरफ किडनैपिंग कर रहे हैं। अरे कौन है इस साला, हम किसी का बच्चा को किडनैप नहीं किए। क्या रे क्या उल्टा सीधा आरोप लगा रहा है टकला नेता पे तुम, हम कब किडनैप किए तुम्हारा बचवा को, और तुम्हारा बचवा है कौन? अरे हमारा बेटा को तुम ही किडनैप किया, दरवाजा खोलो। हाँ खोल रहे दरवाजा, देख लो कोई तुम्हारा बचवा नहीं है यहाँ पे। अरे बेटा झूठा क्या हाल कर दिया तुम्हारा ये टकला। झूठा? अरे झूठा नहीं है सच्चा है। अरे ये झूठा है। अरे हम बोले नहीं सच्चा है। अरे हमारा बेटा तो हमको पता होगा ना ये झूठा है। ये झूठा है, चलो इसी से पूछते हैं, क्या रे बाबू तुम झूठा है? हम झूठा है। अरे साला ये साला झूठा है। अरे इतना देर से वही तो समझा रहे हैं कि झूठा है। अरे ये वो वाला झूठा नहीं है, ये झूठ बोलने वाला झूठा है। नहीं नहीं हम सच्चा है इंस्पेक्टर साहब। देखिए इंस्पेक्टर साहब बोले हम सच्चा है। अरे हम बोल रहे हैं ना ये झूठा है। ए बाबू रे सही से बता तुम झूठा है कि सच्चा है? हम झूठा है। अरे इंस्पेक्टर साहब ये लड़का एकदम झूठा है। अरे इंस्पेक्टर साहब ये टकला आपको किडनैप कर लिया और हमको बहुत मारा, हम चल नहीं पा रहे, हमको कमर में बहुत दर्द कर रहा है, और हमारे पापा को फोन करके धमकी दिया, पैसा का डिमांड कर रहा था, कह रहा था पैसा नहीं पहुंचाओगे तो बेटा को मार के काट देंगे। साला रे झूठा, हम कब फोन किए तुम्हारे बाप को, हम तुमको कब किडनैप किए, कब तुम्हारे बाप को धमकी दिए? क्या रे हम तुमको धमकी दिए? अरे हाँ हाँ इसमें पूछता क्या है, फोन करके धमकी दिया जो तुम बोला 50 लाख पहुँचा दो, अब एक्टिंग करता है टकला सारा चोर। अरे इंस्पेक्टर साहब इधर बाप बेटा झूठा है। अरे हमारा लड़का झूठा है लेकिन हम सच्चा है। देखिए इंस्पेक्टर साहब खुद बोल रहा है कि इसका लड़का झूठा है, जो अभी तक बोला सब झूठ बोल रहा है। अरे हमारा नाम सच्चा है और हमारा बेटा का नाम झूठा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। झूठ तो तुम बोल रहे हो चोर। अरे टकला नेताजी थाना चलिए चुपचाप। अरे तुम हमको गिरफ्तार करेगा है?
हमका टकला नेता को तुम्हारा वर्दी उतरवा देंगे। रुको अभी हम अपने वकील को फोन करते हैं। अरे जो करना है ना थाना में चलकर करिएगा, ये सब धमकी से बेईमान पुलिस वाला डरता होगा, हम नहीं। अभी फोन लगाते हैं अपने वकील को, तुम्हारा वर्दी उतरवा देंगे। अरे ये किसका कॉल आ रहा फिर? हेलो कौन? अरे ससुर जी आप आए नहीं, पतंग कॉम्पिटिशन में बोले थे हरा देंगे। अरे फोन लगाओ साला पागल, यहाँ हवाला तुम्हें पकड़ के लेके आया हमको, तुमको बकवास सोच रहा है। अच्छा तुम हवाला पहुँच गया टकला, चलो सपना हम ही दोनों पतंग उड़ाते हैं। अरे टकला नहीं समझा क्या, जैसे तुम हवालात पहुँचा वैसे सपना यहाँ पहुँच गई। तुम बेटा राजनीति करता है ना, तो हम कद्दू नीति करते हैं। ठीक है तो चलो जेल में बैठ कर कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा देखो और लाइक करो और कमेंट करके बताओ जेल का हवा कैसा लग रहा है। अरे साला तुमको छोड़ेंगे नहीं, कहे कि कद्दूपुर में नेता पे आरोप लग सकता है लेकिन वो जेल नहीं जा सकता है, हम बेल करवा के आएंगे वहाँ। अरे तो हमको तुमको जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना जेल में रखना है, सिर्फ पतंग उड़ाने तक रहो, उसके बाद आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुमरी बेटी तुमरी, और कुछ साल के बाद हो जाएगी शादी तो तुमरी बेटी हो जाएगी हमरी। अंकल उनको पतंग दीजिए ना, मकर संक्रांति उनको पतंग उड़ाना है। अरे हाँ हाँ देते हैं पतंग, लेकिन पहले ही बता देते हैं 10 रुपया करके एक पतंग है। लेकिन चाचा हमारे पास तो पैसा नहीं है, मेरा मम्मी पापा नहीं है, हम अनाथ है, गरीब है, हमको पतंग उड़ाना है, हमको दे दीजिए एक पतंग ऐसे ही। अरे भागो यहाँ से, बाप का दुकान है तुम्हारा। इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता है, सब चीज के लिए कीमत चुकानी होती है, जिसको पैसा कहते हैं। पैसा हो तो आ जाना, वरना कहीं कोना में जाके मर जाना, क्योंकि इस दुनिया में बिना पैसा के जिंदा नहीं रह पाओगे, उससे अच्छा मर जाओ। भगवान हमारा क्या गलती है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम क्या किसी का बिगाड़े थे जो हमारा मम्मी पापा मर गया और हम इतना छोटा सा उम्र में अनाथ रह गए, हमारा कोई नहीं है देखभाल करने के लिए, हमारे पास पैसा भी नहीं है, काम करने जाना चाहते हैं तो कोई काम नहीं देता हमको, तो हमारा क्या गलती है, हम तो मेहनत करना चाहते हैं ना, लेकिन हमको कोई काम नहीं देता है, कोई चोर समझता है तो कोई बोलता है छोटा बच्चा काम नहीं दे सकते है, तो बताइए भगवान हम क्या करें, हमारा क्या गलती था जो आप हमको ऐसा जीवन दिए, क्यों नहीं बोलते आप कुछ। हम अब समझ गए इस दुनिया में जीने के लिए मांग के नहीं छीन के जीना होगा, ये दुनिया वाला जो मेरे साथ किया है ना सबका हिसाब लेंगे हम, और हिसाब भी कैसे ले भगवान, हमको तो अकाउंट्स भी नहीं आता है, खाता बही भी नहीं सीखे हम, लेकिन चलिए थोड़ा नुकसान होगा लेकिन हिसाब जरूर लेंगे हम। अरे बाबू 20 पतंग दे जल्दी से, हमको उड़ाना है। और ये भी बताओ 20 पतंग का कितना देना होगा? अरे क्या बात कर रहे हैं नेताजी, हम आपसे पैसा लेंगे, आपसे, आप हमारे लिए क्या नहीं किए। अरे क्या बोले अब हम तुमको, चलो तुम्हारा प्यार समझ के रख लेते हैं। हम एक पतंग मांगे तो हमको एक पतंग नहीं दिया फ्री में, इसको 20-20 पतंग फ्री में दे दिया, अब हमको कुछ करना पड़ेगा, पतंग तो मुड़ा के आएंगे। हाँ डली बढ़िया से उड़ा पतंग, आज तुम ही उड़ाओ, हम लोग खाली देखेंगे। हाँ डली बढ़िया से उड़ाओ। अरे बेटा डली तुम भी आज पतंग उड़ा रही हो, हम भी पतंग उड़ाएंगे अभी, फिर हमसे लड़ाना, देखते हैं तुम चाचा को हरा पाती हो कि नहीं, आज बहुत मजा आएगा, आज तुम्हारे साथ हम पतंग लड़ाएंगे। अरे काला कद्दू देखो टकला ने तो क्या बोल रहा है, डॉली से पतंग लड़ाएगा, डॉली से, डॉली तो आज पतंग उड़ाना सीखी है, उससे पतंग लड़ाएगा ये, इसको शर्म नहीं आता है टकला को, हिम्मत तो नहीं है कि हम लोग से लगा सके। अरे क्या बना रहे क्या बना करा कद्दू तुम? कुछ नहीं बोले, उड़ा उड़ा पतंग उड़ा। अरे हम सब सुने, हम यही बोल रहे थे ना कि हम लोग से नहीं लड़ा सकता ये पतंग, आ हिम्मत हटाओ, देखते हैं कितना पतंग उड़ाने आता है तुमका। घोड़ा कद्दू नीचे आओ। अरे पापा। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, हिम्मत नहीं है क्या, डर गया क्या? अरे डर तो होगा तुम्हारा बाप। अरे ज्यादा बोलेगा ना तो देंगे दूध था। अरे तुम क्यों बुला, तुम नहीं रहा, मेरा पापा बुला रहे हमको। अरे हाँ हाँ सब जानते हैं, तो बहाना है तुम्हारा, डर गया कि लड़ाएंगे हार जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। तुमको जो समझ रहा है समझो तुम। और तुमको हिम्मत है रे काला कल उठा, तुम तो लगा ही सकते हो कि तुम भी नहीं लगा सकते हो। हम तुम्हारी तरह बच्चा नहीं है कि बच्चा लोग के साथ रेस लगाए,
रेस उसके साथ लगाया जाता है जो माहिर हो, ताकि जीतने का मजा आए। बच्चा को हरा के क्या मजा आएगा? अरे बच्चा किसको बोलता है? बच्चा कौन है ना, सबको पता है। अरे जब तुमको पता है कि बच्चा कौन है तो हमसे क्या पूछ रहे हो? उड़ाओ बच्चा पतंग उड़ाओ। अरे कहाँ जा रहे हो जी, कहाँ जा रहे हो? डर गया, डर गया। कौन? अंकल हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ हैप्पी मकर संक्रांति, कौन हो बाबू तुम? यहाँ कहाँ आए हो? अंकल हमारा पतंग कट के आपका छत पे चला गया है, गेट खोल दीजिए, हम पतंग लेकर चले जाएंगे। अच्छा हाँ हाँ बाबू, आ रहे आ रहे। हाँ बाबू कहाँ रहते हो तुम, जो तुम्हारा पतंग कट के हमारा छत पे आ गया? तुमको तो आस पड़ोस में कहीं देखे नहीं है। ये चाकू कहीं निकाल लिए तुम? चाकू भी बेचते हो क्या तुम? चाकू बेच नहीं रहे है, दिखा रहे है। अरे चाकू दिखा रहे हो, हमको कहीं दिखा रहे हो बाबू चाकू? हम तो इससे बड़का बड़का चाकू देखे है, हमारा घर में पड़ा हुआ है, कहीं दिखा रहे हमको चाकू? चाकू दिखा नहीं रहे है, चाकू से डराने का कोशिश कर रहे है। क्या बोल रहे हो तुम? डेढ़ फीट का बच्चा नहीं है और आधा फीट का चाकू नहीं है, उससे तुम हमको डराओगे? टकला नेता को। चाकू भले आधा फीट का है, लेकिन जब आधा फीट अंदर जाएगा ना, तो क्या क्या तुम्हारा निकलेगा ना, तब तुमको समझ में आएगा। अरे तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे पास जितना भी पतंग घर में पड़ा हुआ है वो हमको दे दो चुपचाप से। अरे तुम पतंग लूटने आए हो? अरे हमारे पास कोई भी पतंग नहीं है घर पे। झूठ मत बोला, हम अपना आँख से देखे हैं, तुम 20 पतंग खरीद के लाए हो। अरे तुमको कैसे पता चला हम 20 पतंग खरीद के लाए हैं? कहाँ पे देखे थे तुम? जिस दुकान से तुम खरीदे थे ना, वहीं पे हम देखे थे। वही दुकान वाला तुमको फ्री में देखे, बाद में हमको बोला पतंग लेके आओ। अरे उस साले को ऐसा कहने का क्या जरूरत था, उसको तुम पैसा दे रहे थे ना, वही ने हमको मना किया। वो तो तुम जाके उससे पूछो, वो तो जैसी जिसकी सोच। उस साले को तुम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है हम देते हैं तुमको तुम्हारा पतंग।